नैनीताल के मटियाली गांव में एक और गुलदार वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। गुलदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मटियाली गांव में शुक्रवार को 2.5 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई थी। हरिद्वार में संतों ने राज्य सरकार से पलायन रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। हर की पैड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड में यात्रा की पवित्र छड़ी को गंगा स्नान कराया और गंगा पूजन भी किया। पलायन रोकने के लिए छड़ी यात्रा का किया जाता है आयोजन। पर्यटकों से गुलजार हो रही पहाड़ों की रानी। मसूरी में 90% होटल फुल, व्यापारियों में खुशी की लहर। इसके अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण मसूरी के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या। मिर्जापुर पहुंची सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में लगाई हाजिरी। भारी भीड़ के बीच पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार में टेका मत्था, कहा मां का लिया आशीर्वाद। समर्थक भी डिंपल यादव के साथ सेल्फी लेते आए नजर। सहारनपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर की बात। कहा सरकार के द्वारा किए गए काम जनता के बीच जाकर बताएं। इसके बाद मां शाकंभरी देवी मंदिर में भी किए दर्शन। बहराइच में AIMIM के नेता मौलाना सिराज अहमद मदनी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के व्यवहार और जुबानी भाषा की वजह से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। 283 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी थे मौलाना सिराज अहमद मदनी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM के सदर बहराइच सीट से थे संभावित उम्मीदवार। कानपुर में धर्म के रंगमंच पर बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। सार्वजनिक रामलीला कमेटी ने रामलीला से पहले रचाया बार बालाओं का डांस। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के सभी लोग रहे मौजूद। घाटमपुर कस्बे के रामलीला मैदान का मामला। अम्बेडकर नगर में दबंगों ने महिलाओं की जमकर की पिटाई। जमीन विवाद में लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 2 से 3 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर। पिटाई का लाइव वीडियो हुआ वायरल। हंसवर थाना क्षेत्र के मूसेपुर कला गांव का मामला। सिद्धार्थनगर में हथियार लहराते वीडियो वायरल। दशहरे पर शस्त्र पूजन का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के शोहरतगढ़ कस्बे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आजमगढ़ में युवक का असलह लहराते वीडियो वायरल। दशहरा को लेकर सजा था पंडाल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया असलह के साथ गिरफ्तार। थाना तरवा के ऊंचा हुआ गांव का मामला। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। जगनेर भवनपुरा से राजस्थान बसेड़ी में मूर्ति विसर्जन के लिए गया था परिवार। 2 सगे भाई, 3 पड़ोसियों की मौत से भवनपुरा गांव में मातम। झांसी के थाना चिरगांव इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल।